नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित चैनल अब हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं यहां पर आपसे बात करूंगा आयुर्वेद के बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने दुबले पतले शरीर को मोटा वे तंदुरुस्त भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा इस पौरुष जीवन कैप्सूल के बारे में। तो ये जो पौरुष जीवन कैप्सूल है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इसमें मौजूद होता है अश्वगंधा, शतावरी, कौच के बीज, लौह भस्म। इसके साथ इसमें मुलहटी का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत से बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। साथ ही साथ इसके लेने यानी कि इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके उपयोग से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो पौरुष जीवन कैप्सूल होता है, ये काम किस तरह से करता है, तो कैप्सूल में अच्छे इंग्रेडिएंट होने के कारण ये हमारे लीवर से जुड़ी सभी तरह की कमजोरी को दूर करता है, जिसमें होता यह है कि हमें भूख अच्छी लगने लगती है और जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को लगने लगता है और साथ ही साथ हमारे शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। अगर आपके गाल पिचके हुए हैं तो ये उनको फुलाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा शरीर में किसी भी तरह की थकान या कमजोरी रहती है, आपके चेहरे पर लालीपन नहीं है, तो ये लालीपन देने में मदद करता है। इसके अलावा आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि कालापन दिखाई देना, या जो महिलाएं या पुरुष दुबले पतले हैं और उनमें खून की कमी है, त्वचा पर खिंचावट या रूखापन रहता है, त्वचा पर कोई ग्लो नहीं रहता, और जो व्यक्ति कम उम्र के होते हुए भी अपनी उम्र से कहीं अधिक ज़्यादा उम्र के दिखाई देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि हर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी चिंतित है और अपने कुछ गलतियों के कारण, जैसे कि गलत खान पान व रहन सहन, इन्हीं सभी की वजह से वह अपने शरीर का सत्यानाश कर लेता है। गलत खान पान के कारण हमारे लीवर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण हमारा लीवर खराब हो जाता है, जिससे खाया पिया शरीर को नहीं लगता और हम दिन पर दिन दुबले यानी कि कमजोर होने लगते हैं। शरीर दुबले के साथ साथ शरीर में कमजोरी भी आती है, और फिर उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम तरह तरह के स्टेरॉइड टैबलेट में कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर का वजन नहीं बढ़ता। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं और अपने शरीर को मोटा वे ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो इस कैप्सूल का सेवन जरूर करें। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसका लेने का सही तरीका क्या है, जिससे कि हम इस कैप्सूल से प्रॉपर तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकें? तो चलिए जान लेते हैं। इसके लेने का तरीका यह है, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार यानी कि सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना होता है। और यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कम उम्र के व्यक्तियों के लिए नहीं बनाया गया है। दोस्तों, आप जब कभी भी इसको लेना शुरू करते हो तो होता यह है कि इससे आपकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैप्सूल हमारे लीवर को इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है, जिससे कि हमारा लीवर मजबूत हो जाता है और जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से लगने लगता है। तो आप जब कभी भी इस कैप्सूल का सेवन करते हो तो 15 दिन तक अपनी डाइट बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। यदि आप अपनी डाइट को बढ़ाते हो तो इससे आपके पाचन तंत्र यानी कि लीवर पर दबाव पड़ता है। ज़्यादातर होता यह है कि यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं, जैसे कि इस कैप्सूल का सेवन करना शुरू करते हैं, उनकी भूख बढ़ जाती है और वो खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको अचानक से साइड इफेक्ट की समस्या भी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि त्वचा में खुजली होना, शरीर पर लाल चकत्ते यानी कि दाने हो जाना। तो ये जो इस तरह की समस्याएं होती हैं वो इसी कारण से होती हैं, क्योंकि आपके शरीर की कैपेसिटी जितनी खाने की है उतने ही रहने दीजिए। 15 दिन के बाद अपनी डाइट धीरे धीरे बढ़ाएं। आप एकदम से 2 या 3 दिन के बाद बढ़ा देते हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र या लीवर पर दबाव पड़ता है। नतीजा ये होता है कि तरह तरह के साइड इफेक्ट। आप एक मंथ एक एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम अपनी क्षमता अनुसार दिन में 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी डाइट को धीरे धीरे बढ़ाएं, ना कि एकदम से। ऐसा करने से आपका लीवर मजबूत बनेगा और आप जो भी खाना खाएंगे वो आपके शरीर को लगने लगेगा, जिससे आपका शरीर ताकतवर व स्वस्थ हो जाएगा और देखते ही देखते आप मोटे होने लगेंगे। साथ ही साथ इस कैप्सूल के पैकिंग बॉक्स में आपको एक यूजर गाइड भी मिलती है, जिसमें इस कैप्सूल से जुड़ी सभी प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसका इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। अगर यदि आप इस कैप्सूल का सेवन करते हो तो इसके नियमित सेवन से आपके गालों पर पड़े गड्ढे भर जाएंगे, शरीर में होने वाली सभी तरह की शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। कमजोरी के कारण अगर आपका दिल घबराता है, शरीर सुस्त रहता है, चलते समय चक्कर आते हैं और शरीर में हर समय थकान बनी रहती है, इसके अलावा ज़्यादा पतला होने के कारण शरीर में कुछ पचता नहीं है, तो इन सभी तरह की समस्याओं के लिए पौरुष जीवन कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह आपको सेहत प्रदान करता है और एक शक्तिशाली शरीर बनाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, ये कैप्सूल एक पूरी तरह से GMP से सर्टिफाइड देव फार्मा द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इसके अंदर सभी प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित कंटेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको मिलता है जैसे कि भृंगराज, यष्टि मधु,
अर्जुना, लवंग, शिलाजीत, चित्रक, कामकच्छु, जाबुक, सफ़ेद मूसली, शतावरी, कपिकच्छु, लोह भस्म, कुमकुम, अश्वगंधा, अमलकी, हरितकी। तो दोस्तों ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर हम इस कैप्सूल के अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये जो कैप्सूल होता है हमें 6 strips of 10 capsules यानी कि 16 capsules के रूप में 6 strips में देखने को मिलते हैं, जिसके पर स्ट्रिप में कैप्सूल होते हैं 10, जिसके पर स्ट्रिप की कीमत होती है मात्र 32 rupees। अगर हम इसके फुली बॉक्स के प्राइजेस की बात करें तो वो है 192 rupees। अगर इसके बावजूद हम इस कैप्सूल को खोलते हैं तो आपको बारीक पाउडर के रूप में सारी आयुर्वेदिक दवा देखने को मिलती है। इसका सेवन आप सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, चाहे तो आप दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल आप इसका सेवन सादा पानी के साथ ही करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका सेवन आप कंटिन्यू 30 दिन लेने के बाद 5 से 7 दिन का गैप जरूर लें और फिर से इसे कंटिन्यू करें। ऐसा आपने लगातार 3 से 4 महीने करना होता है। शुरू में आपको इसका सेवन 3 times करना होता है और उसके बाद सेकेंड मंथ यानी कि दूसरे महीने से एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार लें और फिर उसके बाद थर्ड मंथ यानी कि तीसरे महीने में एक कैप्सूल दिन में 1 बार ही इस्तेमाल करें। उसके बाद फोर्थ मंथ यानी कि चौथे महीने कैप्सूल सेवन में 3 से 4 दिन का अंतराल देकर कैप्सूल छोड़ें। उससे होगा यह कि आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपका वजन यानी कि सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आप स्वस्थ व फिट बने रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। टेक केयर, गुड बाय।